अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अनीका एहसान और आप देख रहे हैं आर्ट चैनल बाय अनीका एहसान। आज हमारी आर्ट क्लास का तीसरा लेक्चर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वन पॉइंट पर्सपेक्टिव पे, एक वैनिशिंग पॉइंट को लेकर हम कोई भी चीज़ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी स्केच कैसे बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे हम टू वैनिशिंग पॉइंट्स को लेकर कोई स्केच जो बनाते हैं वो किस तरह दिखती है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो उसको लाइक ज़रूर 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 कीजिएगा, ताकि हम आप मुझे सपोर्ट कर सकें, हम एक दूसरे की मदद के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज़ होराइज़न लाइन। तने सीधी क्यों नहीं आजकल मेरे से लग रही। ओके, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ओरिजिन लाइन क्या है और वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है। अगर आपको भूल गया है तो आप मेरी वीडियो एक दफ़ा दोबारा देख लें पिछली, तो आपको पता चल जाएगा बहुत डिटेल में मैंने आपसे उसमें बात की थी। ओके, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव है, इसमें हम लोगों ने दो वैनिशिंग पॉइंट लेना है। ओके, सपोज एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, और ये दरमियान में हम वही, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने वो घर वाली एग्जांपल ली थी, हम उसी को लेके चलते हैं कि टू वैनिशिंग पॉइंट को लेके आप जब कोई घर बनाए या कोई चीज़ बनाए तो वो किस तरह बनती है। ओके, इस बार हम ऐसा करते हैं कि हम ये जो है ओरिजिन लाइन, इसके आधी ऊपर रखते हैं और आधी नीचे रखते हैं, देखते हैं कि अगर हम ओरिजिन लाइन से आधा ऊपर रखें और आधा नीचे रखें अपने ऑब्जेक्ट को तो वो कैसा दिखता है। ओके, इसको हम ला लेते हैं एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। तो हमारे इसको भी एक इधर से और एक इधर से, वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं भी अभी ट्राई करने लगी हूँ। तो हमारे घर की जो दीवार है ये हमें ये इस साइड वाली दीवार और इस साइड वाली दीवार, हम इस साइड से घर को थोड़ा लंबा रखते हैं, इधर से चलें छोटा रख लें या इधर से लंबा रख लें, इधर से छोटा रखें आपकी मर्ज़ी है, चौड़ाई मतलब उसकी कम रख लें। ओके, इधर से हम तो चौड़ाई ज़्यादा रख लेते हैं। ओके, तो ये आ गई हमारे घर की फ्रंट वॉल्स। यहाँ पे हम बनाएंगे डोर, तो डोर ये आ गई हॉरिजन लाइन, तो ये अगर हम, तो ये हमारे घर का डोर ये बनेगा, इसका एंगल ये होगा क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड करके देख लिया। और जो इस तरफ वाली है इसके लिए हम, जो ये वाली साइड है इसके लिए हम जो वैनिशिंग पॉइंट है वो ये रखेंगे। तो हम यहाँ पे खिड़की बनाते हैं, ये खिड़की है, खिड़की की ये एक दीवार है, तो इसको हम पहले सबसे पहले मिलाते हैं ओरिजिन लाइन से नीचे वाली को भी। तो यहाँ पे एक खिड़की ये होगी और उसी के साथ उसी के जितनी खिड़की एक ये होगी, ये होगा उसका एंगल। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इधर भी एक खिड़की है बड़ी सी, तो हमने ये जो लाइन है इसी एंगल में एक लाइन खींची और इसको हम मिलाते हैं ओरिजिन लाइन से, इसको एक्सटेंड करते हैं, तो ये खिड़की हमें कुछ यूँ दिखेगी। ओके, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये मैंने गलत किया था, ये हमें इस लाइन के हिसाब से बनानी है। ओके, ओके, अब हम घर के ऊपर वाला जो ट्रायंगल होता है, ये काफ़ी वैसे बड़ी बिल्डिंग लग रही है क्योंकि हमने उससे भी ऊंची बनाई है, लेकिन अब मकसद ये है कि हमें टू वैनिशिंग पॉइंट के साथ एक स्केच बनाना सीखना है, तो वो कैसे बनाना है। ओके, अब इस घर के ऊपर वही ट्रायंगल बनाते हैं हम, और उसको बनाने का वही बिल्कुल तरीका, ये क्रॉस लगाएं बनाएं जहाँ पे ये मिल रहा है, इस लाइन को ऊपर एक्सटेंड करें, तो यहाँ पे
ये होगा, जितना लंबा रखना चाहें छोटा रखना चाहें आप, ठीक है। अब इसको, अब इसकी ये वाली साइड बनाने के लिए हम इसको इस वाले लाइन से वैनिशिंग पॉइंट से मैच करेंगे, और जो ये एंगल है यही एंगल हम यहाँ बनाएंगे। ओके वाल, तो ये कुछ यूँ दिखेगा। ओके अब हम ऐसे करते हैं, वैनिशिंग ये जो लाइन है जो हमने वैनिशिंग पॉइंट के साथ मिलाई थी उनको हम रेज करके देखते हैं कि हाउ लुक लाइक। राइट, सब रेज कर लेते हैं। ओके ओके अब हम ऐसा करते हैं, इसके साथ सपोज वही पटरी गुजर रही है इस घर के इस साइड पे, तो हम यही ये वाला वैनिशिंग पॉइंट रखेंगे, घर के इस साइड पे पटरी गुजर रही है, तो ये पटरी है ये जो गुजर रही है ये, अगर ये सीध में गुजर रही है, अगर इस तरफ को गुजर रही है तो हम ऐसे बनाएंगे। चलो यहाँ बना लेते हैं, ये पटरी है जो गुजर रही है। ओके सॉरी, इस लाइन के ओरिजिन लाइन के हम सीध में चलेंगे। ये इस घर के पास से पटरी गुजर रही है, और कह लें कि घर के इस तरफ यहाँ पे एक दरख्त है, यहाँ पे एक दरख्त है, तो ये हम ट्री बनाएंगे, या कह लें ये देखें ये हमने ट्री बनाया। इसके सीध में भी इसी के जितने दो तीन दरख्त लगे हुए हैं, तो हम इसको मिलाएंगे, ये देखें इसको हम देखेंगे, तो ये भी एक यहाँ पे दरख्त लगा हुआ है इस लाइन में, सारा इस लाइन में इस जैसे घर हैं, जो इस जैसे घर होंगे वो भी हम फिर ये देखें, अगर हम ये वापस करते हैं तो फिर हम इसके जैसे घर जो बनाएंगे वो यूँ बनाएंगे कुछ, इनका क्रॉस करके देखें, और फिर इनको इसके वैनिशिंग पॉइंट जो है इससे मिला देंगे, तो ये भी कुछ इस तरह नज़र आएगा। फिर आप कह लें कि यहाँ भी दरख्त लगे हुए हैं, तो कुछ भी बनाना है, मतलब कुछ भी, तो हमने बेसिकली मद्देनज़र ये रखना है कि हम उस पॉइंट से ना हटें। जब हम कोई चीज़ ऐसी बना रहे हैं जो सामने से ऐसे पीछे को जा रही है, तो हमने उस अपने वैनिशिंग पॉइंट से हट के नहीं करना। अगर हम वैनिशिंग पॉइंट से हट के काम करेंगे तो ड्राइंग बैलेंस नहीं होगी। आप ये देख लें, अब मैंने ये दो लाइन लगाई हैं, मैंने इसका दरवाज़ा बनाना है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इस वैनिशिंग पॉइंट के साथ मिला के देखूँगी, ये मैंने दरवाज़ा बनाया। तो अगर आप इस तरह बनाएंगे तो वो बैलेंस चीज़ बनेगी। अगर आप वैनिशिंग पॉइंट को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो आपसे चीज़ें बैलेंस कभी भी नहीं बन सकती, चाहे आप कुछ भी कर लें। ये देखें, अगर आप इससे बड़ा दरख्त बनाना चाहें तो वो आपको कुछ यूँ नज़र आएगा इससे अगले वाला जो दरख्त होगा। तो आप ये देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि ये इस लाइन में एक रोड है जो जा रही है, या आपको अब आपको समझ आएगी कि मतलब ये आप ये देखें तो आपको पता चलेगा। टू वैनिशिंग पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम कोई तस्वीर बनाएं तो हमें वो टू डायमेंशन थ्री डायमेंशनल चीज़
किस तरह नज़र आती है, कोई पेंटिंग, सॉरी मैं बार बार चीज़ बोल रही हूँ, वो हमें किस तरह नज़र आती है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मकसद आपको कॉन्सेप्ट समझाने का है, मकसद ये नहीं है कि मैं कोई ड्राइंग बना के दिखाऊं। अब इसी तरह ही आप एक वैनिशिंग पॉइंट को लेकर कोई भी रूम बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मिनट मैं नया पेज निकालती हूँ। ओके ये पेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ये आपका कैनवस है, इस पर आपने रूम बनाना है। तो आपने आप क्या देखेंगे ना, सबसे पहले आप वैनिशिंग वो हॉरिजन लाइन बनाएंगे। ये सपोज ये हॉरिजन लाइन है, ये आपका सिंगल, ये वैनिशिंग पॉइंट है, ठीक है। ये आपकी सामने वाली वॉल है, ठीक है। इस वैनिशिंग पॉइंट को पकड़ें, इसके साथ मिलाएं, इधर की तरह। अब आप देखें तो जो ये है, सॉरी मैं इधर गंदा कर रहा, ये आ गई हमारे रूम की दीवारें। सामने से आप रूम बना रहे हैं तो ये छत है, ये साथ वाली दीवार है, ये इस तरफ वाली दीवार है और ये फ्लोर है। अगर अब आपने इस दरवाजे, ये वाली जो दीवार है इस पे आपने दरवाज़ा बनाना है, तो ये आपने इसके बिल्कुल पैरेलल आपने लाइन लगाई, इसको मैच करें आप ये वैनिशिंग पॉइंट से, इसको एक्सटेंड करें। अब देखें अब ये यहाँ पे दरवाज़ा कुछ इस तरह दिखेगा। ओके ये आ गया दरवाज़ा। फिर इस तरफ आप कह लें कि विंडो है, इस तरफ विंडो है, तो ये इतनी विंडो आपको बनानी है। तो ये आप इसके इसको मिलाएंगे वैनिशिंग पॉइंट से, इसको भी आप वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएं, तो आपकी जो विंडो है वो कुछ आपको यूं दिखाई देगी। ठीक है अब टेबल है, इसकी लाइंस आप एक्सटेंड करें। आप टेबल कितना चौड़ा चाह रहे हैं, जितना टेबल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेबल पड़ा हुआ है, आप इतना चौड़ा टेबल चाहते हैं, तो ये टेबल पड़ा हुआ है, ये टेबल के ऊपर ये इसकी टेबल की टांगे हैं। अगर मैं आपको इसके लाइंस रेज करके दिखाऊं, तो ये देखें एक वैनिशिंग पॉइंट को लेकर आप एक कमरा कुछ इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। ये चेयर पड़ी, ये आपका टेबल है। इसी तरह ही बाकी जो भी चीज़ें आपने बनानी है वो आपने हमेशा एक जो वैनिशिंग पॉइंट है उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाएं, तो आपकी ड्राइंग जो है वो हमेशा बैलेंस लगती है। तो अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आपको कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं या कोई क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।